अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी आर पर। और देखिए, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए ये भयंकर खुशखबरी है। और जो साथ में जो छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर कोई न्यूज़ है या प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनके लिए सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और यूनिवर्सिटी परीक्षा में सभी को प्रमोशन मिलेगा। और आइए, जो खबर मिल रही है हमें, जिससे कि सभी को क्लियर हो जाएगा एकदम कि हाँ, सभी बच्चे प्रमोट होंगे। और एक 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है जो परीक्षाओं को प्रमोशन कराएगी, तो उसको देखेंगे। आइए चलते हैं खबर पर। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रखें। और अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं खबर पर। देखिए, ये खबर मिल चुकी है हमें, बिना परीक्षा प्रमोट होंगे छात्र छात्राएँ। शासन ने बनाई 3 कुलपतियों की कमेटी। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 3 कुलपति की एक सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। और कोरोना के काल में ऐसा दिया है कि कोरोना के काल में सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं पूरी खबर को। कोरोना की वजह से मुख्य परीक्षाओं और सेमेस्टर परीक्षाओं को 15 मई तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे यही लग रहा है कि इस बार परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे ही में छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये तैयारी शुरू कर दी है। और ये देखिए क्या क्या इसमें मानक तैयार करने होंगे। पिछली बार छात्रों को प्रमोट किया गया था, जिसमें प्रथम वर्ष की छात्र बिना परीक्षा दिए द्वितीय वर्ष में पहुँच गए थे। और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट किया गया था, लेकिन जो छात्र पिछली बार प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए थे उन्हें इस बार दूसरी कक्षा में प्रमोट कर तीसरी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसको लेकर चुनौती होगी, क्योंकि छात्र 2 साल परीक्षा के लिए बिना अंतिम वर्ष में पहुंच जाएंगे। हालांकि कमेटी के सदस्यों के मानकों के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, ये पूरा आप पूरी खबर देख सकते हैं और ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका। और ये आप सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है, जो छात्र बार बार कमेंट कर रहे थे। तो छात्र सभी प्रमोट होंगे और 3 सदस्यीय ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और कैसे करेगी ये इसको बताएगी इसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।